नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एचसी अड्डा में आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की शॉर्ट ट्रिक आपके लिए लेके आए हैं देखिए जब पेपर में जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादा नाम में कि भी कौन सा इसमें रहेगा कहाँ कहाँ ये तो वो आपका जो वन्य जीव और राष्ट्रीय उद्यान है और प्रजनन केंद्र हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक आपके लिए लेके आए हैं हम ठीक है तो ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें ये जो आपका चैप्टर है ये जो वन संपदा है वन विभाग से रिलेटेड है तो जो उसमें से आता है तो सबसे पहले हरियाणा का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो आपका चौवालीस हज़ार दो सौ बारह वर्ग किलोमीटर आपका और इसमें आपका इसमें से जो ए वन है अति सघन जो वन है आपके हरियाणा में वो है आपके सत्ताईस सत्ताईस किलोमीटर स्केर आपके और जो मध्यम है मध्यम सघन वन है वो चार सौ तिरपन किलोमीटर पर स्क्वेयर आपका और विरल सघन है ग्यारह सौ छः किलोमीटर स्क्वेयर आपका और इस तरह से कुल आपका टोटल हो जाता है ये पंद्रह सौ छियासी किलोमीटर स्क्वेयर हो जाता है और जो ये आपका हमने जो आंकड़ा लिया है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी दो हज़ार तेरह चौदह उसका आपका आंकड़ा हमने ये लिया था ये उसका क्योंकि कुछ किताबों में आपका पुराने आंकड़े मिलेंगे लेकिन अभी 2013-14 की जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग है आपका ये एक कुछ में 2007 के अकॉर्डिंग है जो आपका दिया गया है और इस तरह से अगर हम बात करें कुल इंडिया में कुल आपका कितना है इंडिया का भौगोलिक क्षेत्र है आपका बत्तीस लाख सतासी हज़ार दो सौ तिरसठ आपका और उनमें से जो आपका जैसे हमने हरियाणा का बताया अति सघन जैसे सताइस है तो पूरा हरियाणा में आपका तिरासी हज़ार पाँच सौ दो है आपका और मध्यम सघन में आते हैं आपके तीन लाख अठारह हज़ार सात सौ पैंतालीस और विरल वन आते हैं आपके दो लाख पचानवे हज़ार छः सौ इक्यावन और टोटल हो जाता है आपका छः लाख सतानवे हज़ार आठ सौ अट्ठानवे ठीक है तो आप टोटल इसकी परसेंटेज भी इस तरह से आपके निकाल सकते हैं कि भी एज़ कंपैरिजन टू तो आपका जो हरियाणा इंडिया का सौ परसेंट माने तो इसका कितना परसेंटेज हो जाता है दो हज़ार चौदह तेरह चौदह की रिपोर्ट थी अब देखिए हरियाणा में है जो आपका जो नेशनल पार्क है वो आपके दो हैं ये भी 2013-14 के अकॉर्डिंग है जो आपका दो है नेशनल जो पार्क हैं आपके ये और जो टोटल 102 क्या है ये भारत की संख्या दिखा रहे हैं भारत में टोटल 102 सौ हैं वन्य जीव अभियान हरियाणा में आपके आठ हैं और इंडिया में है आपके पाँच और संरक्षण नीचे भी आपके सैंतालीस है टोटल इंडिया में और समुदाय नीचे भी हैं आपके वो हैं आपके चार हैं इंडिया के अंदर आपके ठीक है तो अभी जो हरियाणा में बात करेंगे हम जो वन्य जीव अभियान हैं आपके ये जैसे आपके हमने बताया वन्यजीव अभियान आपके आर्ट हैं तो उनमें से पहला है आपका अबूब शहर यहाँ से हमारी शॉर्ट ट्रिक आपकी स्टार्ट होती है तो अबूब शहर है आपका देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको अबूब शहर में यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे अबू क्या लिख रहा है अबू अबू किसको बोलते हैं आपका उर्दू में पिताजी को किसको बोलते हैं पिताजी को जब पिताजी बोलते हैं तो पिताजी के नाम से आपको क्या याद आता है राम रहीम सिरसा वाला डेगरा आता है तो पिताजी उसको बोलते थे और उसका डेरा कहाँ पे सिरसा वाला डेरा अब्बू शहर आपका अब्बू पिताजी और ये आपका कहाँ पे सिरसा तो इस तरह से अबू शहर आपका कहाँ हो गया इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं ठीक है तो दूसरा आपका आता है क्या आता है आपका दूसरा काले काले आपका कालेश्वर कालेश्वर कहाँ पर आपका कालेश्वर यमुनानगर के अंदर है आपका और कालेश्वर है जो आपका ये आपका एक राष्ट्रीय उद्यान भी है इसको कैसे याद कर सकते हैं दोनों की एक ही शॉर्ट फॉर्म है आपकी देखिए इसको इसको ये याद कर सकते हैं कलयुग जो आपका अभी चला गया हुआ है कलयुग चला हुआ कलयुग चला हुआ आपका कल से आपका के कैसे आपका क्या होगा कालेश्वर हो गया और ये से ये से आपका यमुनानगर हो गया आपका कालेश्वर यमुनानगर आपका हो गया और ले से ये आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है ये लाल जंगली मुर्गे हैं जो आपका उसके लिए आपका प्रसिद्ध है और ये अक्षेत्रफल की दृष्टि से आपका बड़ा है जो दृष्टि से अक्षेत्रफल में बड़ा है इसकी जो फैला हुआ है ये कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान उद्यान है जो वो आपका छियालीस हेक्टेयर में आपका फैला हुआ है अभी आगे आता है एक इंटरेस्टिंग सी आती है जो बीर शिकारगढ है बीड़ शिकारगढ भी बोलते हैं जैसे आपका स्पेलिंग खेरी के एच ई आर आई लिखते हैं लेकिन हिंदी में इसको खेड़ी बोलते हैं इस तरह से ही बीर बी आई आर है तो इसको बीड़ भी बोल सकते हैं तो बीड़ शिकारगढ़ आपका कहाँ पे है पंचकुला पिंजोर के अंदर है आपका तो यहाँ पे देखिए मैं दो एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको इसको याद कर सकते हैं आप बड़े मियाँ हमारे ही गढ़ में आकर हमारी ही पोल खोलने का प्रपंच रच रहे हो ठीक है क्या है शॉर्ट ट्रिक आपकी बड़े मियाँ हमारे ही गढ़ में आके हमारी ही पोल खोलने का प्रपंच रच रहे हो इन पे किस पे फोकस करना आपका एक तो बड़े पे बड़े मतलब बीड़ जो बीड़ है आपका बीड़ जो बीर शिकार बी, बीर शिकार आका गढ़ है क्या गढ़ इसमें भी आया हुआ है तो बीड़ शिकार गढ़ और आकर तो हमारी ही पोल खोलने खोलने क्या है खोलने एक आपका है वन्ने जीव बयान खोल ही रहतान है आपका एक तो खोलने से खोल खोल ही रहता आपका का परपंच पंच है आपका पंचकुलाब का ठीक है तो क्या क्या इसमें याद रखना हमें एक तो बड़े गढ़ खोलने और परपंच इन पे हमारी शॉर्ट ट्रिक है इसको याद करने के लिए बड़े मियाँ हमारे गढ़ में आकर हमारी पोल खोलने का परपंच रच रहे हैं तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप दो आपके वन्य जीव अभियान है याद कर सकते हैं एक तो आपका बीर शिकार गढ़ है आपका पंचकुला में आपका बड़े से बीर शिकारगढ़ गढ़ से आपका गढ़ है ये और खोलने में आपका है आपका खोल ही रहता और परपंच में पंचकुला आपका ठीक है दोनों आपके कहाँ पे हैं पंचकुला में आपका तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं अपना आगे की शॉर्ट ट्रिक के ऊपर जो आगे है आपका भिंडावास है आपका जज्जर में है खप्परवास है आपका जज्जर में है जिसमें भी वास है आपका वो आपके जज्जर में है एक ही उसमें है आपका एक डेढ़ किलोमीटर का फ़र्क है इनके अंदर बीच में है जो आपका और एक आपका छिल छिला है कुरछत्तर के अंदर इन तीनों की शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं जैसे आपने हरियाणवी में आपका माता जी नाराज़ हो जाती हैं गुस्सा करती हैं तो उनकी जो गालियाँ किस प्रकार की होती हैं अपने बच्चों को कैसे बोलते हैं वो आपका उसमें आप हमें याद कर सकते हैं इसको ठीक है ए, कुछ ऐसे भिंडी बर्गिन आषाढ़े बोल देते हैं ना भिंडी बर्गीना साढ़े और एक खप्पर बना भी बोलते हैं खप्पर बने ठीक है शायद जो आपके शहर से हों जो आपके जन्म से ही शहर में रह रहे हो उनको शायद ये खप्पर बढ़ना ना भी सुनाओ लेकिन जो आपका देहात से हैं बिल्कुल बिलोंग करते हैं गांव से बिलोंग करते हैं उन्होंने ज़रूर सुना होगा तो भेंडी पर ना साड़े खप्पर बने झाड़ू ले आ दुकान पर दें दुकान से सामान मंगवा रही झाड़ू झाड़ू ले आ ना तो छोल दूंगी तो खाल उतारना बोलते हैं छोल दूंगी तो कित कित कुछक्तर जाणी कह है कित कुछक्तरजा है तो इसको याद कर सकते हैं इसमें क्या क्या हमें याद करना है किस किस पे ध्यान देना है इस पे हमें ध्यान देना है देखिए इस पे ध्यान देना हमें एक तो भिंडी पे भिंडावास होता है भिंडी से भिंडा भिंडावास हो गया आपका खप्पर खप्पर भरने से खप्परवास हो गया आपका झाड़ू से आपका जज्जर तो ये दोनों कहाँ पर हैं आपका भिंडी और खप्पर भरना ये है आपके खप्परवास से आपका जज्जर में तो इस तरह से याद कर सकते हैं नहीं तो वो भी आप याद कर सकते हैं जहाँ पे वास है वो आपका जज्जर के अंदर है फिर आगे वो कहती है जब वो मना कर देता है अब वो लड़का कहता है कि मैं कुर्छअखर जाऊँगा वो कहें छोल दूंगित निक्रे है छोल दूंगी न कित जा है छोल से आपका छिलछिला ठीक है छिलछिला और कुर्छअक्तर आपका छिलछिलाछअक्तर चिल में है आपका इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं अगर ये आपका देखिए ट्रिक है आपको अच्छी लगे इंटरेस्टिंग लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं एक है आपका नाहर सिंह नाहर है आपका नाहर है नाहर आपका रेवाड़ी के अंदर नाहर वन्यजीव अभियान है देखिए नाहर आर पे खत्म हो रहा है रेवाड़ी भी आर पे खत्म हो रहा है शुरू हो रहा है तो आपका ये आपका रेवाड़ी नाहर गांव है रेवाड़ी के अंदर आपका इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं नाहर रेवाड़ी को आपका ठीक है अब आगे दो राष्ट्रीय उद्यान है हमारे इनकी भी शॉर्ट ट्रक देख सकते हैं हम सुल्तानपुर है आपका दो ही है देखिए जो आपके वन्य अभ्यान ये आपके उद्यान है दो ही हैं हरियाणा में एक आपका गुरुग्राम में है और आपका एक यमुनानगर में है सिर्फ दो ही हैं याद कर सकते हैं हम देखिए ये आपका सु शु गु और इसमें जो मात्रा है ऊ की मात्रा इसमें भी ऊ की मात्रा है ठीक है एक कुरुक्षेत्र में भी ऐसे ही आता है लेकिन कुरुक्षेत्र में नहीं है हमें ध्यान रखना है बस कि भैया जो आपका सुल्तानपुर है एक तो जो महाराष्ट्र उद्यान है गुरुग्राम में है कि आपका काले यमुनानगर में है हमें ध्यान ना रहें तो आपका इसके लिए और ये इसके लिए आप एक शय पे फोकस करें इसको दूसरा भी नाम है सलीम अली आपको इसको बोला जाता है राष्ट्रीय उद्यान और ये आपका से ही आपका साइबेरियन सारस है से और सह से ही सुल्तानपुर है आपका और साइबेरियन सारस के लिए आपका प्रसिद्ध है ये आपका इसको क्या बोलते हैं पक्षियों का स्वर्ग भी स्वर्ग भी इसको बोला जाता है और लेक बर्ड सेंचुरी इसका पहले नाम था और उसको बाद में जो आपका सलीम अली इसका नाम चेंज कर दिया है दूसरा आपने देख लिया कालेसर यमुनानगर में कलयुग आपका है शॉर्ट फॉर्म कल से आपका कालेसर यमुनानगर यू से आपका यमुनानगर कलयुग ठीक है इससे आप याद कर सकते हैं और क्षेत्रपल की दृष्टि से आपका ये बड़ा है ठीक है ना अभी आपके राष्ट्रीय उद्यान हो गए और अभी हमारा जो बचता है क्या बचता है जो प्रजनन केंद्र है इसमें देखिए दो आपके संरक्षण रिजर्व भी हैं आपके संरक्षण रिजर्व सरस्वती वन्य बयान आपका कैथल कुरुक्षेत्र में आपका एक बीरबारा है जींद के अंदर आपका ठीक है वो संरक्षण है आपके आपके आगे हैं प्रजनन केंद्र हैं आपके प्रजनन केंद्र को कैसे याद कर सकते हैं आप इसमें आप जैसे पशुओं का आपने एच सुना होगा हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपका क्या जितने भी पशुओं से रिलेटेड आपके पशुओं से जैसे केंद्रीय अश्व है भैंस है भेड़ है ए, आपका है ए, ए, एक और है आपका शूअर है ये आपके कहाँ पे सारे पशु वाले हैं जितने भी आपके पशु से हैं जो ये आपके हैं इिसार के अंदर एक को छोड़ के सिर्फ ऊँट को छोड़ के ऊँट को छोड़ के सारे के सारे आपके जिसमें केंद्रीय भी लिखा है जिसमें केंद्रीय आपका वर्ड आ रहा है वो आपका हिसार में है और जो आपका भैंस है जितने भी पशुओं से है आपके अश्व है भैंस है भेड़ है सूर है वो आपके कहाँ पे हैं हिसार में सिर्फ ऊँट को छोड़ के ऊँट वाला कहाँ पर आपका ऊँट है आपका सिरसा के अंदर ऊँट है आपका सिरसा के अंदर इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे जैसे आपका पिंजो आपका हिसार में उनको सारे एक जगह इकट्ठा याद कर लें अलग अलग याद ना करें इस तरह से गिद्ध संरक्षण व प्रजनन पीसेंट से जो आपका रेड जंगल फाउल आपका ए, वो आपका देखिए रेड जंगल फाउल है आपका वो आपका ए, वो प्रसिद्ध है आपका आ, सर, क्या उस, आ, 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 काले क्या है उसका कालेसर है जो कल कलयुश जो याद किया था वो इसके लिए प्रसिद्ध है लेकिन जो आपका इसका अलग से बयान बना रखा है वो पिंजौर में है आपका पंचकुला में आपका पीसेंट जो पक्षियों के नाम से दिख रहे हैं आपके लगभग वो आपके किस पे पंचकुला में है आपका पीजेंट काला त एक आपका काला तितर से अलग है काला तितर आपका अलग है वो आपका दूसरी जगह पे है अकेला तितर है आपका वो मोरनी में है मोरनी हिल्स है पंचकुला में आपका और जो आपका काला तितर है वो पिपड़ी कुछक्तर के अंदर है काला तितर है पिपड़ी कुछक्तर में ठीक है इनमें डिफरेंस आपका एक अकेला तितर है वो पंचकुला में है काला तितर आपका है वो आपका कुर्छत्तर के अंदर पिपड़ी के अंदर एक आपका चिकारा है और एक मोर व चिकारा है आपका एक अकेला चिकारा है आपका और एक मोर व चिकारा है अकेला चिकारा है आपका वो कैरू भिवाणी के अंदर है कहाँ पे है कैरू भिवाणी में आपका है और दूसरा मोर व चिकारा है वो आपका जाबुआ रेवाड़ी के अंदर है जहाँ पे मोर है आपका वो जाबुआ रेवाड़ी के अंदर है अलग है देखिए आपका ये चिकारा देखिए चिकारा क्या है चिकारा एक पशु है आपको पशु जो दिखने में हिरण जैसा अलग नाम है देखिए आपने सुना होगा दो सिंग होते हैं इसके ऊपर आपने देखा हो तो तस्वीर तो आपने इसमें दो सिंग वाला होता है चिकारा कैरू भिवाणी में है आपका ये और मोर व चिकारा आपका जाबुआ रेवाड़ी के अंदर है और मगरमच्छ है मगरमच्छ आपका कुर्छक्तर में मगरमच्छ को कैसे याद कर सकते हैं हम बोरसेंधा में आपका है मगर कैसा होता है बोर भारी भरकम होता है भारी बोर भारी आपका मगरमच्छ बोरसेंदा कुछक्तर के अंदर है आपका ठीक है काला तित्र आपका पिपली के अंदर है ये आपका जो वीडियो था जो आपका राष्ट्रीय उद्यान थे वन्यजीव अभियान थे आपका और आपका प्रजनन केंद्र थे आपके उनके ऊपर वीडियो था उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा ऐसी ही वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार